आज हम जा रहे हैं गाजियाबाद। तो अगर आप भी रहते हैं गाजियाबाद आसपास, ओरिजिनल सप्लीमेंट चाहिए आपको, अपनी बॉडी बनानी है, वजन घटाना है, वजन बढ़ाना है, भूख बढ़ानी है, कुछ भी आपका बॉडी गोल है, तो सीधे आइए सप्लीमेंट्स ला गाजियाबाद आउटलेट साहिबाबाद गाजियाबाद श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के बिल्कुल पास में है। पूरी लोकेशन में आपको दिखा दूंगा। ऑलरेडी काफी सारे भाई बैठे हुए हैं, रबड़ी मैंने पैक करा ली है, तो खाते हैं रबड़ी उनके साथ, एंजॉय करते हैं, वीडियो बनाते हैं, मजा आएगा, बाकी आप देख ही लोगे वीडियो में। चलो चलते हैं गाजियाबाद। तो सर ये हम पहुंच गए हैं गाजियाबाद और यहाँ से हम मेट्रो लाइन स्टार्ट हो गई है। तो आप भी अगर गाजियाबाद आसपास रहते हैं, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स आपको चाहिए, वे प्रोटीन, मास गेनर, BCAA, EAA, फैट बर्नर, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट, पीनट बटर, कुछ भी आपको चाहिए बिल्कुल ओरिजिनल, तो वो मिलेंगे सप्लीमेंट्स विला पर। दिल्ली NCR में सबसे ज़्यादा बुरा हाल है ये भैया, गाजियाबाद वालों आप NCR में ही आते हो, तो इसलिए आपको सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये वीडियो अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा आपकी जिम्मेदारी है और सप्लीमेंट्स विला की भी जिम्मेदारी है। सप्लीमेंट्स विला की कैसे, कि अगर आप अपने बच्चे को सप्लीमेंट्स विला भेजते हैं सप्लीमेंट्स के लिए, भाई जिम तो अब हर कोई जा रहा है, जाना भी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है, आपका बच्चा भी जिम जा रहा है, जाना चाहिए आपको, उल्टा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर वो जिम जा रहा है, क्योंकि जिम सबसे अच्छी चीज़ है। अगर जिम जाएगा गलत संगत से बचेगा, गलत आदतों से बचेगा, और जिम की आदत लग गई उसको तो ये सबसे हेल्दी आदत है और बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए अगर आपका बच्चा जिम जा रहा है, उसको प्रोटीन चाहिए, उसको मास गेनर चाहिए, कुछ भी है, उसको सप्लीमेंट चाहिए, आप उसे भेजें सप्लीमेंट्स वाला। फिर सप्लीमेंट्स वाला की जिम्मेदारी है कि उसको कभी कोई नुकसान नहीं होंगे, क्योंकि क्या है कि आप तो अपने बच्चे को कह देते कि भाई तू खरीद ले वे प्रोटीन, कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसे दे दूंगा, पर आपका बच्चा जो है ना उसको समझ नहीं है कि वे प्रोटीन कहाँ से लेना चाहिए, वो फिर सस्ते के चक्कर में या जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में या गलत इंसान के संपर्क में आने से वो इधर उधर से सप्लीमेंट लेता है, प्रोटीन वगैरह गेनर वगैरह, फिर उसके बाद में उसको होते हैं साइड इफेक्ट, फिर आप कहते हैं कि भैया ये तो वे प्रोटीन खराब ही होते हैं, वे प्रोटीन गंदे ही होते हैं, भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वे प्रोटीन खराब नहीं होते, वे प्रोटीन गंदे नहीं होते। अगर आप सप्लीमेंट्स विला से ले रहे हैं, ओरिजिनल वे प्रोटीन आपके बच्चे की सेहत बनाएंगे, नुकसान नहीं होगा, ओरिजिनल वे प्रोटीन का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो बस आप ध्यान रखें अपने बच्चे का कि उसे भेजे सीधा सप्लीमेंट्स विला, फिर उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा और उसकी सेहत भी बनेगी और बिना नुकसान के, तो इसलिए सावधान रहे। तो हम चल रहे हैं, गारथला मेट्रो स्टेशन आ गया, इसी लाइन पे हमको जाना है आगे, श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास में है बिल्कुल। गूगल मैप पर लोकेशन भी अवेलेबल है, आप डालें सप्लीमेंट्स विला गाजियाबाद तो आपको जो है लोकेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों ये मैं पहुंच गया हूँ सप्लीमेंट्स विला गाजियाबाद आउटलेट। देखो कितने सारे यहाँ पर भाई आए हुए हैं बड़ी दूर दूर से। भैया आप कहाँ से आए हो जी? हापुड़ से भैया आए हुए हैं। और देखो एक भैया से मिलवाऊंगा जो कि सबसे दूर से आए हैं, ये भैया हमारे कहाँ से आए जी आप? फरुखाबाद से आए हैं, 350 किलोमीटर दूर से। तो दोस्तों इस प्यार और आपके सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सारे भाई कर रहे हैं पलवल वाली रबड़ी इंजॉय। भैया कैसी लग रही है आपको? अच्छी। और भैया कैसा लग रहा है आप सबको यहाँ के? बहुत बढ़िया। और ये भैया तुम्हारे पुराने वाले हैं, भैया कब से जुड़े हुए हैं आप? दो साल से जुड़े। कभी कोई दिक्कत परेशानी? कोई। और भैया बॉडी बनती नहीं बनती? बनती है। तो आप भी बनाओ अपनी बॉडी कहां से जुड़कर, सप्लीमेंट्स विला से। पावर मास गिरा। अच्छा क्यों लेना, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce. तो दोस्तों देखा आपने कितने सारे भाई आए थे और मुझे बहुत अच्छा लगा, सारे भाइयों को रबड़ी इंजॉय करी सारे भाइयों ने, मैंने वीडियो बनाई और मतलब
दिल खुश हो गया यार। तो आप भी अगर रहते हैं गाजियाबाद आसपास तो आपको आना है सप्लीमेंट फुला गाजियाबाद। लोकेशन एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको, चलो। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं, ये है मेरे पीछे श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन और साहिबाबाद, और ये रहा आपका अपना आउटलेट सप्लीमेंट फुला। श्याम पार्क मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से आपको आना है, गूगल मैप पर लोकेशन अवेलेबल है। तो यहाँ से आपको आना है सप्लीमेंट फुला आउटलेट, और यहाँ मिलेंगे आपको ओरिजिनल सप्लीमेंट्स। आपको वजन बढ़ाना है, वजन घटाना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, प्रोटीन चाहिए, गेनर चाहिए, फैट बर्नर चाहिए, कुछ भी चाहिए, सीधा सप्लीमेंट्स वाला आइए। और सप्लीमेंट्स वाला हर किसी ब्रांड के ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आना है आपको। और यहाँ हमारे भैया जो आए हुए हैं स्पेशली झांसी से, भैया झांसी से आए हो? हाँ। झांसी से स्पेशल आए हैं, भैया ने कोई ट्रेन व्रेन बुक नहीं कराई है, तो यहाँ से हमारे साथ चल रहे हैं। कहाँ चल रहे हैं जी? सप्लीमेंट बिल्ला पलवल। पलवल, हाँ पलवल चल रहे हैं। और भैया आज पलवल ही स्टे करेंगे और डिनर करेंगे, आराम से सोएंगे, सुबह आराम से ब्रेकफास्ट करके फिर उसके बाद जाएंगे, क्योंकि दोस्तों परिवार के सदस्य हैं, अब इनको अकेला कहाँ छोड़ूंगा। और पहली बार आए हो शायद दिल्ली? हाँ, पहली बार। पहली बार दिल्ली आए हैं यार, तो भाई ऐसे नहीं जान दूंगा। तो चल रहे हैं भाई के साथ पलवल, तो आप भी आइए सप्लीमेंट्स वाला। ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का एक ठिकाना है सप्लीमेंट्स वाला, और अगला आउटलेट जल्दी ही ओपन होने जा रहा है। कहां पर? नोएडा उत्तर प्रदेश। लोकेशन बताऊंगा, फॉलो करो इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों अब ये हम चल दिए हैं यार यहाँ से जो है पलवल की तरफ, और हमारे भैया जो है कहाँ बैठे हुए हैं? ये हाँ, ये बैठे हुए हमारे पीछे जो हमारे साथ चल रहे हैं झांसी से जो स्पेशल आए हैं। अब यार अभी मुझे पता लगा है कि मतलब हम जो है गाजियाबाद से निकल गए हैं यार, ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। अब पता लगा है कि एक भैया आए हैं, कहाँ से आए जी? कानपुर से स्पेशल आए हैं अब गाजियाबाद आउटलेट में यार। अब उनसे मैं बात कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या कहते हैं वो, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा कि जो भाई आते हैं स्पेशली इतनी दूर से, वो एटलीस्ट एक मैसेज हमें कर दें कि भाई मैं कानपुर से आ रहा हूँ, या मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, या आप झांसी से कहीं से भी आ रहे हैं, तो आप एक मैसेज कर देंगे तो उससे क्या है कि फिर हमको पता रहेगा कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। ये बहुत बात प्रॉब्लम होती है ये। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया से कि भैया आप कानपुर से जब आए हो इतनी दूर, तो आप पलवल आओ, पलवल रुको आज, और उसके बाद में फिर जाना। पर अभी हुई बात नहीं हुई, क्या कह रहे हैं? बिजी नंबर ट्राई करते रहे यार, देख अगर वो होती है तो ठीक है, मानते हैं तो, वरना फिर वापिस चलना पड़ेगा भाई। और हमारे झांसी वाले भैया तो बैठे हैं, भाई बिच तो नहीं रहे ना आप? सच बताइयो, हैं नहीं बिच रहे ना? भाई ठीक, और कैसा लग रहा है आपको बताना जरा? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल घर वाली बात। तो दोस्तों आप भी आओ सप्लीमेंट्स वाला। अब चलो अब कुछ स्नैक्स वगैरह ले लें भाई को भी, मैंने तो भाई के रबड़ी मैन की रबड़ी खाते, चलो आप मजे करते हुए अब जो है स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं यहाँ से, और फिर सीधा पलवल रुकेंगे। अब वो कानपुर वाले भाई से एक बार बात कर लेते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये पहुँच गए हैं हम पलवल, और हमारे भैया जो झांसी से आए हैं वो अब कर रहे हैं डिनर। मैंने कि भैया गर्मा गर्म खाओ रोटी, और उसके बाद में रबड़ी तो खिलाई मैंने, मानूंगा नहीं भाई को, फिर रबड़ी खिलाऊंगा, और फिर भाई जाएंगे रूम में अपना आराम करेंगे, और कल फिर हम बात करेंगे सप्लीमेंट क्या लेंगे क्या नहीं। अभी तक सप्लीमेंट की बात तो नहीं हुई भैया? नहीं, पक्की बात है, पक्की। देख लो। तो दोस्तों आप भी जुड़े सप्लीमेंट सुला के साथ, क्योंकि कहने के लिए फैमिली नहीं, दिल से मानता हूं मैं फैमिली। आओ और जो भी बॉडी गोल है, जो भी सप्लीमेंट लेना है, वो लो सीधा सप्लीमेंट सुला से। बारिश बहुत ज़्यादा तेज है पलवल में, इसलिए गाड़ी से सीधा भागम भाग हम जो घर की तरफ ही आ गए। बारिश दिखाना चाहूँगा बाहर, ये देखो आवाज़ आ रही होगी आपको। ए अब भैया देख, झमाझम बारिश है, झमाझम। तो दोस्तों यहाँ पर भैया का हो चुका है डिनर, और भैया आप कर रहे हैं पलवल वाली रबड़ी इंजॉय, जो कि गाजियाबाद में भी कर चुके थे। गाजियाबाद में की थी ना भाई? हाँ जी। अच्छा कैसी है बता दो? बढ़िया है। बढ़िया है, और आप मना क्यों कर रहे थे खाने के लिए बताओ मुझे? नहीं ऐसे ही बताओ, सही अच्छा है वो, होता है खाते जाए फिर इसकी वजह से मना कर। नहीं नहीं भाई, ये बोले भैया वहाँ वहाँ खा ली है, हम यहाँ नहीं खाएंगे भाई। नहीं अरे डिनर के बाद अगर रबड़ी ना खाई पलवल वाली तो क्या खाया फिर? तो आराम से भैया खाएंगे, उसके बाद अब जाएंगे अपने रूम में स्टे करेंगे, और कल मेरी मुलाकात होगी भाई से। और मैंने टाइम ले लिया भाई से, भाई कितने बजे आऊँ सुबह ही बता दो। 9 बजे। 9 बजे भैया कह रहे हैं कि भैया 9 बजे आ जाना आप, तो मैं 9 बजे सुबह आ जाऊँगा, और क्योंकि मैं आराम से उठ जाऊँगा 7-8 बजे, और एक घंटे में नहा धोकर भाई के पास आऊँगा, फिर उसके बाद देखेंगे भाई क्या सप्लीमेंट लेंगे क्या नहीं। तो आप भी ओरिजिनल सप्लीमेंट्स लीजिए सप्लीमेंट्स विला से, और आइए सप्लीमेंट्स विला, क्योंकि यहाँ पर दुकानदारी वाली बात नहीं, घर वाली बात है। दोस्तों अब भैया हमारे कर रहे हैं स्टे, आराम से रुकेंगे, और मैं सुबह भैया से मिलूंगा। भैया ही बता कितने बजे? 9 बजे मैं भाई से मिलूंगा, और फिर जानेंगे भैया क्यों आए इतनी दूर से झांसी से स्पेशल गाजियाबाद, फिर गाजियाबाद से आए मेरे साथ, फिर कल जानते हैं। तो आप भी जुड़ो सप्लीमेंट्स वाला से, आपका कोई बॉडी गोल है, वजन घटाना है, वजन बढ़ाना है, भूख नहीं लगती है, कुछ भी, सीधे आ जाओ सप्लीमेंट्स वाला। यहाँ पर भाई से सुबह मुलाकात होगी, ब्रेकफास्ट कराऊंगा भाई को, सुबह भी पलवल वाली रोटी खिलाऊंगा, तैयार हो ना? अच्छे से पानी पी के सुबह फ्रेश हो जाना। तो सुन लो आप भी आओ सप्लीमेंट्स वाला, ओरिजिनल सप्लीमेंट्स का एक ठिकाना है। क्या है भैया? सप्लीमेंट्स वाला। सप्लीमेंट्स, थैंक यू भैया।